ये गोल कंघा है। इसके एक ही कंघी है सिर्फ? एक ही कंघी है। क्या रेट है इसके? पड़ेंगे 550 रुपए किलो। 550 रुपए किलो। इसको जलेबी बोलते हैं। जलेबी, एक जलेबी है वो वाली, दूसरी लाल वाली, ये है व्हाइट वाली। इसका क्या रेट है? जलेबी पापलेट भी बोलते हैं, जलेबी बोलते हैं इसको ऐसे। फ्रेश है? जी फ्रेश है। इसका क्या रेट है? ये आपको 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो मिल जाएगी। दैट्स अ शार्क। ये मंगरा है। ये तो शार्क नहीं होगी, ब्लू व्हेल टाइप है ना? जी जी मंगरा बोलते हैं इसको। फिंगर वगैरह बनते हैं इसके। फिंगर फिश जी, सैमन भी कहते हैं। जी जी। इसका क्या रेट है? इसके पड़ेंगे भाई आपको 600 रुपए किलो। 600 रुपए। और कोई? नहीं नहीं, ये सुलमानी मच्छी है। सुलमानी? ये बंगालियों का फेवरेट मच्छी है। बंगालियों की फेवरेट मच्छी है सुलमानी। इसको उठाओ, दोनों पीसेस को उठाओ, अलग अलग उठा लोगे। इसका कितना वजन होगा? इसका वेट तकरीबन 9 से 10 किलो होगा। 9 से 10 किलो। इसका रेट क्या है? इसका रेट तकरीबन 500 रुपए किलो है। और ये सुलमानी मछली है, बंगालियों की फेवरेट है। और कोई आपके यूनिक मछली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब। आप देख रहे हैं टीवी। इसमें मौजूद शहर है कराची फिशरी मार्केट में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिश मार्केट है, मछली की मंडी यहाँ कहा जाता है, जहाँ के पूरे पाकिस्तान में यहाँ से मछली जाती है। और यहाँ पर अगर ना आता तो मैं समझता हूँ मेरा कराची का टूर जो है वो फजूल सा होता। तो हमारे सामने ये कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमने आज से पहले अपने एरिया में कभी नहीं देखी। तो इनके मालकान मौजूद है, ये मंडी है, यहाँ पर होलसेल रेट पर बिकती है, फिर आगे जाकर अपने अपने शहरों में बिकती है, महंगी भी बिकती है, सस्ती बिकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मछली का नाम बताएं। ये काला कुंद है। काला कुलू कुन? काला कुन। अच्छा, काला कुलू तो सेब होता है ना जी। और दूसरी कौन सी है? वो मोटी वाली? वो सारम है। सारम। इसका रेट क्या है? इसका रेट है 500 रुपए किलो काले कुन का, और सारम का जो है ना 550 रुपए। 550। तो ये तो एक एक किलो का तो है ही नहीं, तो कम से कम 5-5 साल। ये 3 किलो 3 किलो 2.5 किलो 1.5 किलो। ठीक है। तो ये मार्केट में कितने की बिकती है आगे खाने के लिए जब जाती है? तो कम से कम ये ताज़ी मच्छी है, ये कितने की बिकती है आगे? 600 रुपए किलो बिकती है। 600 रुपए मार्केट में बिकती है जी, काला कुन। ठीक है। आगे आज ये कौन सी है जी? ये सारम है। ये सारी सारम है जी। तो ये सारी समंदर की है जी? ये डोरी वाली मच्छी है। ये डोरी वाली मच्छी, मतलब इसमें मेहनत होती है जी। ये भी 500 रुपए किलो? ये 24 घंटे में पकड़ के लाते हैं यहाँ पर। 24 घंटे में? हाँ। तो उसके कितने पीस आते हैं? ये भी 10 दाने लेकर आते हैं, 20 दाने बोर्डों के अंदर, छोटी छोटी बोर्ड होती है ना जी, जी। उसमें लेकर आते हैं। ये जो है चम्मच वाली, क्या नाम है, कांटा लगा हुआ? ये कंघा है, ये गोल कंघा है। इसके एक ही कंघी है सिर्फ? एक ही कंघी है। क्या रेट है? इसके पड़ेगा 550 रुपए किलो। 550 रुपए किलो। अच्छा, 1-2 किलो नहीं देते आप लोग? नहीं, किलो किलो 2 किलो नहीं देते। नहीं देते, मतलब एक आधा पीस लेना तो ले लो। हाँ ले लो। अच्छा, ये बीच में जो पड़ी हुई है ये पापलेट है क्या? इसको जलेबी बोलते हैं। जलेबी, एक जलेबी है वो वाली, दूसरी लाल वाली, ये है व्हाइट वाली। इसका क्या रेट है? जलेबी पापलेट भी बोलते हैं, जलेबी बोलते हैं इसको ऐसे। फ्रेश है? जी फ्रेश है। इसका क्या रेट है? ये आपको 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो मिल जाएगी। और यूनिक कौन सी मछली है? वो बहुत बहुत बड़ा पीस नजर आ रहा है, मंगरा पड़ा हुआ है। मंगरा? हाँ। वाह वाह, उठा ले आप इसको हाथ में। दैट्स अ शार्क। ये मंगरा है। ये तो शार्क नहीं होगी, ब्लू व्हेल टाइप है ना? जी जी मंगरा बोलते हैं इसको। फिंगर वगैरह बनते हैं इसके। फिंगर फिश जी, सैमन भी कहते हैं। जी जी। इसका क्या रेट है? इसके पड़ेंगे भाई आपको 600 रुपए किलो। 600 रुपए हो गए। और कोई यूनिक पीस आपके पास? ये खगा पड़ा हुआ है। खगा, ये भी समंदर का सारा माल खगा पड़ा हुआ है। इसका क्या रेट है? इसका 300 रुपए किलो। 300 रुपए। वाह, मतलब मुनासिब रेट है। अगर बंदा ये पूरा लेके जाए तो आप 2 महीने तक खाते रहे आराम से घर में। इसमें दो क्वालिटी है। ये इसमें वाइट गोश्त है और लाल गोश्त है। इसमें क्या फर्क है लाल व्हाइट में क्वालिटी में? लाल गोश्त में जो ना वो मच्छी सस्ती है थोड़ी है। ये जो है ना ये आपको 500 रुपए किलो पड़ेगी। ये रिंजी है वो 3। ये इसके फिंगर मिंगर बनते हैं इसके भी। चलेंगे आपको दूसरे स्टॉल पे भी लेके चलते हैं। उससे पहले एक आज ये मुझे फिश यूनिक नजर आ रही है, इधर से आ जाए जरा। ये कौन सी है लाल? ये जो वाइट सी है ये इसको बोलते हैं सोल। इसको सोल बोलते हैं। ये किस तरह बनती है? क्या ये इसके छिलका हटा के इसके पीस बना के फ्राई बनती है? बस फ्राई जी। इसका क्या रेट है? इसका 300 रुपए किलो। माशाल्लाह, बड़ा दो सोल आते हैं ना इसमें, एक गोल वाला सोल है, ये इसका रेट है। इसका पड़ेगा 500 रुपए किलो। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा यार, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको 2-4-5 स्टॉल्स और भी। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी नीमो वाली, उसके अंदर एक डॉली होता है करेक्टर, वो ये वाली फिश थी भाई। ज़रा फिश उठाना ये वाली, ज़रा वाह सीधी करना इसको, ज़रा यूँ इस तरह ज़रा मुँह सीधा करना इसका, दूसरी तरह। ये क्या नाम है इस फिश का? पत्तल पापलेट। पत्तल पापलेट जी। अच्छा, मुझे बताओ रेट क्या है इसका? इसका रेट तकरीबन 650-600 रुपये किलो है। 650-600 रुपये किलो बेचते हो? तो ये ज़्यादा मिकदार में बिकती है, लोग पसंद करते हैं इसको? बिल्कुल पसंद करते हैं। ज़रा मुझे वो बड़ी वाली जो मछली है उसका क्या नाम है? ज़रा उधर अब तेरी खैर,
ये वाली मछली कौन सी है? ये तो माशेर और वो तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, ये सुलमानी मच्छी है। सुलमानी ये बंगालियों का फेवरेट मच्छी है। बंगालियों की फेवरेट मच्छी है सुलमानी। इसको उठाओ, दोनों पीसेस को उठाओ, अलग अलग उठा लोगे। वाह, इसका कितना वजन होगा? इसका वेट तकरीबन 9 से 10 किलो होगा। 9 से 10 किलो। इसका रेट क्या है? इसका रेट तकरीबन 500 रुपए किलो है। और ये सुलमानी मछली है, बंगालियों की फेवरेट है। और कोई आपके यूनिक मछली है? और यूनिक मछली सुरमई नहीं पड़ा हुआ, मंगरा पड़ा हुआ है। मंगरा पड़ा हुआ लाल वाला? नहीं, वो शार्क जो होता है समंदर शार्क, वो हमने देख लिया पहले। यकीनन आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। फिशरी मार्केट जो कि कराची की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिश मार्केट है, जब भी आए यहाँ पर खाने के लिए नहीं भी आते लेकिन देखने के लिए ज़रूर आए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पर आपको समझाते हैं, बताते हैं, विजिट करवाते हैं। और रेट इसका इतना है कि अगर आप यहाँ से कहीं लेके जाएंगे तो यकीन आप यहाँ से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसके बाद अगला पार्ट हम बनाएंगे क्रैब्स एंड प्राउंस का, वो आपको दिखाते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।